आप लोगों को पता भी नहीं होगा, पता है आपकी दीदी को जानते हो आप? नहीं जानते हो? जानते हो, जानते हो अच्छी तरह से? कैसे जानते हो बताओ? हाँ, दुलारे दीदी को जानते हो? भगवान के लाड़ प्यार दुलार कहते ना, तो दुलारे दादी को पता है? मधुबन में जो हिस्ट्री हॉल है, सबसे पहले छोटा हॉल है पता होगा, तो दीदी के पिताजी ने बनाया था। मुझे भी पता नहीं था, कल पता चला, हमने सुना था बाबा ने हिस्ट्री हॉल बनाया था। जब साकार ब्रह्मा बाबा था, उन्होंने ये एक ही हॉल बनाया था, ऐसे बोलते थे। अभी पता चला, दीदी ने कल बताया, इनका पिताजी दिल्ली में इंजीनियर था, और बच्चे ने कहा पिताजी बाबूजी आप नौकरी करके कमाई करके क्या करेंगे, कौन खाएगा? एक ही बेटा है, वो भी कमाता है। देखो बाबा ने मुरली में लग बताया था, कोई भी इंजीनियर बच्चा हो तो बाबा की सेवा में चाहिए। तो बच्ची की बात पिता ने माना, नौकरी करता, फिर नौकरी छोड़कर रिजाइन देकर मधुबन में गया। 4 साल मधुबन में रहकर हॉल बनाया। आज भी दादी दीदी मधुबन में बाबा सब लोग उसी हॉल में योग करते हैं। आज भी सब लोग जाते हैं मधुबन में बाबा का हिस्ट्री हॉल। इतना उधर बैठे हर एक, हम भी उधर जाएंगे तो उधर ही बैठेगा। उधर का वातावरण कितना शांत, कितना पुण्य किसने कमाया? जिसने बीज किसने बोया? किसने बीज बोया? एक बार बैंक में पैसा डालो, सारा जीवन इंटरेस्ट मिलता रहता ना, तो आपके दीदी ने कौन सा बीज बोया? हाँ। है ना, पिताजी से आप स्वयं ने नहीं किया तो भी पिताजी को भेजा, तुम जाओ। पिताजी ने भी बच्ची का सुना, जा करके इंजीनियर का हॉल सबसे पहले मधुबन में हॉल बनाया, हिस्ट्री हॉल कहते हैं। सुना, देखा उधर चारों तरफ बाबा के सारे हिस्ट्री के फोटो लगे हुए हैं। वहां बाबा भी योग करने बैठा था, वही बाबा ने भी हिस्ट्री हॉल में पूरा जीवन वहीं मुरली सुनाई। वहां 350 बहनों को सबको मुरली सुनाई, वहीं बाबा योग करता था। आज भी जानकी दादी, दादी कोई भी दादी, सभी लोग वहां योग करने बैठते हैं। तो उस स्थान की वैल्यू कितना, कितनी शक्ति होंगी? तो वो बीज बोया हुआ कभी कितना फल आज तक दे रहा है, सारा कलम देता रहेगा। तो ऐसे बीज जो सारा कलम आपको फल देता है, इसको कलम वृक्ष कहते हैं। ऐसा कर्म करो। अगर भाई जी कहता है कि भाई जी मैं एक सेंटर बाबा को बना के देता हूं, अगर वो सेंटर बनाया तो उसमें देखो एक मकान बनाया, इस मकान में कितने भाई बाबा के बच्चों ने धन लगाया, अभी कितने लोगों को सुख मिल रहा है, एक व्यक्ति के लिए नहीं बना ना। अगर एक भाई ने 10 लाख रुपया खर्चा अपने लिए मकान बनाया, और एक ने 10 लाख खर्च के बाबा को, तो कौन सा अपने लिए 2-4 लोग उपयोग करेंगे? आज यहाँ कितने बाबा के 500 बैठ करके, तब का सबको सुख देने वाली सेवा करो। तो सबकी दुआएं सारे कलप में आपको धनवान बनेगी, सुखी संबंध बने। ऐसा बीज बोलो तो सारा कलप फल मिलता है, इसको कलप वृक्ष कहते हैं। समझ में? कैसा बीज बोना चाहिए जो सबको, देखो सेंटर 1 साल के लिए नहीं है ना, 10 साल के लिए नहीं है ना, है ना? अभी देखो कितना 1945 में था, स्वतंत्र होने से पहले। तब उसके बाद बाबा जब मधुबन आया 50 में स्वतंत्र होने के बाद, 3 साल के बाद, तब से आज तक हिस्ट्री वॉल जैसे कि वैसा है। एक जगह पर भी कुछ तोड़ फोड़ नहीं किया, जैसे बाबा ने प्लान दे करके दीदी के पिताजी ने बनाया था वैसे के वैसे, कभी तोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो वो जो बीज बोया है वो बीज फल देता है ना, देगा कि नहीं बताओ? तो ऐसे बीज बोलो जो सारा एक नहीं, 7 पीढ़ी तक कहते हैं, 7 जन्मों तक नहीं, सारे कल्प में फल मिले, ऐसा कर्म का बीज बोलो। हो सकता है?